हेलो एवरीवन, अभी जो है वो वैकेंसी बिल्कुल आना स्टार्ट हो रही है न्यू सेशन के लिए। यदि आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट आई है, जहां प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है। यानी आपने जो है एनटीटी किया है, आपके पास जो है क्वालिफिकेशन जो कि प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए रहती है आपके पास है। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, पीजीटी की जो है वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा भी जो है कई वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। तो बिना फीस के जो आप लोग यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्य जो है यहाँ पर अलाउ रहेंगे। वेतन के साथ में आप लोगों को यहाँ एचआरए, इसके अलावा जो है फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो बाकी जो है वो हम देख लेते हैं किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। सबसे पहले जो है एकेडमिक टीम और नॉन एकेडमिक टीम, जिसमें एकेडमिक टीम को हम देखेंगे प्री प्राइमरी टीचर्स, जिसमें जरूरी है आपके पास एनटीटी अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ एलिजिबल रहेंगे। मोंटेसरी ट्रेंड हैं अगर आप, ठीक है, तो प्री प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए जो है ये जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल चाहिए ही। नेक्स्ट जो है प्राइमरी टीचर्स यानी पीआरटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी, सब्जेक्ट हैं यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, संस्कृत, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन कहा है कि ग्रेजुएशन आपकी इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए और बीएड आपका होना ही चाहिए। पीआरटी कंप्यूटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा किया है आपने, या पीजी डिप्लोमा किया है, या आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, या आपने एमसीए किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा भी और भी कई वैकेंसी है, आर्ट एंड क्राफ्ट की है, म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल की है, डांस टीचर की है वैकेंसी, और डांस टीचर के लिए यहाँ पर जो इसके समकक्ष जो डिग्री होती है वो चाहिए। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भी वैकेंसी है, जहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में बीपीएड की डिग्री आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट नॉन एकेडमिक टीम के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, एडमिशन काउंसलर की है, रिसेप्शनिस्ट की, पीए टू प्रिंसिपल की, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की, अकाउंटेंट की, असिस्टेंट अकाउंटेंट कम क्लर्क की, स्टाफ नर्स की है, सिक्योरिटी हेड की है, हाउसकीपिंग इंचार्ज की, लाइब्रेरियन, जिसमें आपके पास जो है लाइब्रेरी साइंस का जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये जितनी भी नॉन एकेडमिक टीम, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफी वैकेंसी मैंने फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें साउथ पॉइंट स्कूल अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तहत जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, तो उसमें जो वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर जो है एलिजिबल रहेंगे। ये जो वैकेंसी निकाली गई है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, जिनके पास एक्सपीरियंस है 3 साल या इससे अधिक, तो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें एकेडमिक टीम की, तो इसके लिए आपके पास जो है क्वालिफिकेशन के साथ में 3 साल का जो है कम से कम अनुभव होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर बायोडाटा या सीवी, ये जो ईमेल एड्रेस है, 2 ईमेल एड्रेस दिए हैं, इस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है वी ऑफर अट्रैक्टिव सैलरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल के आप सभी जानते हैं सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, मिनिमम 35,000 से स्टार्टिंग रहती है। स्टाफ चिल्ड्रन एजुकेशन के साथ में एचआरए भी जो है उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो कि यहाँ के नहीं है। वैकेंसी कहाँ की है, दिल्ली पब्लिक स्कूल नागौर, आसाम से वैकेंसी है। सो आसाम से बाहर के जो कैंडिडेट हैं तो उनको जो है काफ़ी जो है फैसिलिटी यहाँ पर रहने की, वेतन, ये सारी सुविधाएं, इसके अलावा जो है आप लोगों के जो चिल्ड्रन एजुकेशन है ये फ्री आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, बाकी चीज़ें आप लोग इस फ़ोन पर भी जो है वो पता कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है, 10 दिन के अंदर आप लोग जो है अप्लाई कर दें यदि आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी है, प्री प्राइमरी टीचर्स की है, पीआरटी की है, टीजीटी की है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भी वैकेंसी है और नॉन एकेडमिक टीम की भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें केवल 3 साल का एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन के साथ में चाहिए। तो ऐसे ही वैकेंसी के साथ बने रहें, चैनल पर बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं और बिल्कुल समय पर सूचना आप लोगों को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें, तभी आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिल सकेगा, क्योंकि कई वैकेंसी ऐसी होती हैं जो कि मेन वेबसाइट पर आते आते जो है वो लेट हो जाता है, और जब वीडियो बनता है तो 2 दिन या 1 दिन रहता है, तो स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि मैम पहले जो है वो इन्फॉर्मेशन आप डाल दिया करें, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि मेन वेबसाइट पर जारी लेट होती है और आप लोगों तक सूचना जब तक पहुंचती है काफ़ी जो है वो टाइम हो जाता है। तो जैसे ही जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चलता है, तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी दिन जो है वो आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।